गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनकम। आई एम वेरी वेरी थ्रिल्ड दैट स्टैन हैज टेकन दिस इनिशिएटिव एंड टुडे इज द 27th सच इनिशिएटिव ऑफ कंडक्टिंग वेबिनार एंड दिस वेबिनार इज इंटीग्रेटिंग इंडिया, नॉट ओनली इंडिया बट द ग्लोब एंड द जेनेटिक वेलनेस कम्युनिटी, द कम्युनिटी विच आर इंटरेस्टेड टू know and make a change in the wellness industry, जो लोग आगे आके इस पे एक काम करना चाहते हैं, so that itself is a great commitment shown by the entire, I will say, wellness family, velocity family, extended velocity family to come on every 8 PM, and this is a time which we'll where हम लोग wellness के ऊपर चर्चा करते हैं. So I thank Stan for providing me this platform. I know him for years and I congratulate him and I admire his energy and his enthusiasm to connect the wellness to the DNA. And of course, Velocity is India's first DNA-based wellness company and InDNA is India's first indigenous DNA diagnostic company. So there could not have been a better integration of knowing wellness at the genomic level. So thank you, Stan, for providing this opportunity. And I would like to start congratulating all of you for making this mental change, taking this commitment out of your time that you are spending this 1.5 hours every day in and day out. I also attend some of these webinars to discuss what best we can do sitting at home, and this is the best utilization of the lockdown of reflecting on your wellness. And today I will be touching upon aaj aapko बताएंगे कि हमारी लाइफ जीन लेवल पे कैसे काम करती है, और अगर जीन लेवल पे वेलनेस लाना है तो फिर होलिस्टिकली सोचना पड़ेगा. एंड देयर आर वेज एंड मींस वेयर वी कैन डिटेक्ट एट द डीएनए लेवल चेंजेस एंड वी कैन ब्रिंग इन दोज चेंजेस. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई विल टेक यू टू द वर्ल्ड ऑफ जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स व्हिच इज वेरी वेरी डियर टू मी. आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग जेनेटिक्स सिंस लास्ट 20 years एंड इट हैज बीन माय चाइल्डहुड ड्रीम टू understand DNA at the molecular level. From my class 6 onwards, I had committed to myself that I will only learn the DNA and molecular life sciences. So I went into this field. I joined a medical school in Chennai to do my master's in human genetics, and then did my PhD in Bangalore, went to Singapore, went to US, went to Japan, and learned from different experts. And then I started India's first indigenous DNA laboratory. We call it InDNA as Indian DNA company. So let us start the journey of life. Hamari life shuru hoti hai as a single cell. Ye cell maa ki kokh mein ek egg rehti hai. So whenever a girl child is born, ek female child is born, unke paas 450 eggs hote hain. So 450 के लगभग एग्स होते हैं. वो जैसे उनकी प्यूबर्टी आती है 12 13 14 साल के टाइम, फिर एक एक एग एक एक महीने में मैच्योर होता है. वो मैच्योर ये होता है इस लिए होता है कि वो फर्टिलाइज हो, लेकिन फिर शादी के बाद देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड देन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड अ जाइगोट इज फॉर्म. ये जाइगोट जो है ये करीबन 2 घंटे में डबल एक सेल से 2 सेल हो जाते हैं, और ये 2 सेल से 4 सेल, 4 से 16, 16 से 64, ऐसे करके एक ह्यूमन बीइंग बनती है 38 वीक्स में. सो वी टेक 38 वीक्स टू फॉर्म अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग. लेकिन आप सबको बताएं कि हाफ डीएनए मटेरियल फादर से आती है और हाफ मदर से. हाफ मतलब हमारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. ये क्रोमोसोम्स को अगर आप एक आम तौर पे कंपेयर करें तो मैं बताऊंगा कि क्रोमोसोम्स को एक लाइब्रेरी सोचिए, एक लाइब्रेरी का बुक सेल्फ सोचिए, और वो बुक सेल्फ में कई सारे किताबें हैं, उस किताब को जीन्स सोचिए, और वो जीन्स में कई सारे कैरेक्टर्स हैं. तो आपके शरीर के अंदर जो भी प्रोटीन्स या कैरेक्टर्स तैयार होंगे वो बुक्स में लिखे हुए कोड्स के ऊपर तैयार होंगे. सो ये क्रोमोसोम्स आर दोज लाइब्रेरीज. यू हैव 46 सच क्रोमोसोम्स इन योर सेल, एक सेल. और हमारे शरीर में एक सेल के साथ जर्नी शुरू करके हम सैकड़ों सेल, हम एक इंडिविजुअल में 37,000 करोड़ सेल होते हैं, और वो 37,000 करोड़ सेल के अंदर हर सेल के न्यूक्लियस में डीएनए क्रोमोसोम्स होते हैं. सो
एक फैंटास्टिक इस यूनिवर्स, अगर मुझे कहा जाए इसमें सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है इस यूनिवर्स में, तो मैं कहूंगा कि ये एक सेल जो फर्टिलाइज होते हैं, ह्यूमन सेल, वो फर्टिलाइज होने के बाद जो चार सेल बनते हैं और फिर 16 देन 64 एंड एक जो ह्यूमन फीटस बनते हैं 38 वीक के अंदर, 9 महीने के अंदर, ये एक सबसे बड़ी मिरेकल है। क्योंकि ये जो इंसान बनता है ये आम एनिमल नहीं है, ये सबसे ज्यादा सोचने वाला इंसान है इस धरती में, इस यूनिवर्स में। सबसे ज्यादा मिरेकल, सबसे बड़ा मिरेकल है एक इंसान जो सोच सकता है, जिसमें कॉन्शियसनेस है, जो अपने आप को पहचान सकता है। मैं इसको इसके ऊपर थोड़े बाद में बताऊंगा कि ये कॉन्शियसनेस कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये कॉन्शियसनेस ही सब प्रॉब्लम का जड़ भी है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ एक सेट करता हूँ कि एक सिंगल मॉलिक्यूल, एक सेल, एक डीएनए के कॉपी से बन के आज हम 37,000 करोड़ सेल बन के इंसान बनता है। सो फंडामेंटल्स क्या है कि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं और उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन्स। सो ये जीन जो है, ये जीन से आरएनए बनते हैं और प्रोटीन बनते हैं। तो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि मैं ये डीएनए आइसोलेट करूं, चाहे ये वायरस का डीएनए हो, चाहे इंसान का डीएनए हो, चाहे जानवर का डीएनए हो, हर एक डीएनए का एक अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग उनका सीक्वेंस होता है, और वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करना हमारे साइंटिस्ट का काम है। तो एक एक पैटर्न, एक एक सीक्वेंस, एक एक कैरेक्टर बताती है, एक एक उसका तत्व बताती है, और उस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करके हम उसको रिलेट करेंगे कि ये नॉर्मल पैटर्न है या एबनॉर्मल पैटर्न है, और ये एबनॉर्मल किस लिए है और इसको नॉर्मल कैसे किया जा सकता है, ये सब तरीके भी हमको आज अवेलेबल है, मालूम है। तो ये एक बहुत बड़ा साइंस की खोज है कि जैसे स्टैन बता रहे थे कि 25 अप्रैल मैं मानता हूँ ये वर्ल्ड डीएनए डे, क्यों? क्योंकि इस दिन ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, यही स्ट्रक्चर आप हर जगह फोटोज में देखेंगे। आज ये एक बहुत ही पॉपुलर मॉलिक्यूल बन गया है होल वर्ल्ड में, और ये डीएनए स्ट्रक्चर आज एक घरेलू नाम है, आज एक होम बेस्ड नेम है, एवरीबॉडी नोज डीएनए। बॉम्बे में एक न्यूज़पेपर, अखबार चलती है डेली न्यूज एजेंसी बोल के, डीएनए पेपर, बट ये डीएनए एक बहुत पॉपुलर नेम है। और ये स्ट्रक्चर सबसे पहली बार वर्ल्ड को जाना गया था 25 अप्रैल 1953 बाय जेम्स डी वाटसन क्रिक और मॉरिस विल्किंस। सो ये जो खोज है, ये खोज बहुत बड़ी खोज है, और ये खोज के बाद ये पूरी साइंस बदल गई, पूरी साइंस एक्सपेंड कर गई। आज हम लोग पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड को डीएनए टेस्ट, डीएनए के नाम से जानते हैं। आज कोरोना टेस्ट भी हो रही है होल वर्ल्ड में, तो उसके वायरस का डीएनए, वायरस का आरएनए टेस्ट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्वांटम लीप ऑफ लाइफ साइंसेस इंडस्ट्री। जैसे मैं बता रहा था, ये इंसान, भगवान या नेचर या गॉड या कुछ भी कहे आप, कुदरत ने हमारे पूरे यूनिवर्स, बायोलॉजिकल यूनिवर्स को सिर्फ चार मॉलिक्यूल्स या चार लेटर में लिखा, एडिनाइन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। इसको कैसे आप जानेंगे? जैसे हमारे इंग्लिश डिक्शनरी में 26 अक्षर होते हैं, और ये 26 लेटर से हम पूरी नॉवेल लिख सकते हैं, ऑल लिटरेचर लिख सकते हैं, ऑल टेक्स्ट बुक लिख सकते हैं। टोटल जितने इंग्लिश लिटरेचर है पूरे विश्व में, वो सिर्फ 26 लेटर से बने हुए हैं। इसी तरह हमारे टोटल बायोलॉजिकल यूनिवर्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पेड़ हो, पौधे हो, एनिमल हो, सांप हो, भेड़िए हो, लायन हो, कुछ भी हो, कोई भी बायोलॉजिकल लिविंग बींग हो, उसका डीएनए ये चार मॉलिक्यूल से ही बने होंगे। हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने लेटर्स होंगे, वो डिफर करेगा जैसे जैसे स्पीसीज होंगे। जैसे इंसान के एक सेल में आपको 340 करोड़, 3.4 बिलियन लेटर ऐसे मिलेंगे जो पेयर है, ए से टी और जी से सी। ये लेटर्स पेयर करके डीएनए का सीक्वेंस बनता है। ये मैं एक न्यूक्लियस का बताया, और मैं सब सोचिए 37,000 करोड़ सेल का, एक एक सेल में अगर 3.4 या 340 करोड़ ऐसे लेटर होंगे, तो कितना डेटा होगा? एक सुपर कंप्यूटर, एक बहुत बड़ी पावरफुल कंप्यूटर भी वो डेटा एक साथ में नहीं सोच सकती जो कुदरत सोच सकती है। इसीलिए मैं इसको सबसे बड़ा मिरेकल समझता हूँ ये पूरा यूनिवर्स में, कि एक इंसान पैदा होता है इन 9 महीने में ये डीएनए की करिश्मा से। सो जैसे पैदा होता है इंसान, तो सबसे पहले हमारे चाची, दादी, मम्मी, अम्मी जाके देखते हैं कि
कि इसका नाक किसके तरह है, इसके बाल किसके तरह है, इसके होंठ किसके तरह है, इसके आंखें किसके तरह है। जो फीचर्स है, ये जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसके फीचर्स देखना चालू हो जाते हैं कि इसका बाल तो मम्मी पे गई है, इसका आंख तो पापा की तरह है, ये बहुत लंबा होगा। तो ये सारे फीचर्स को फिनोटाइप कहते हैं, और ये फिनोटाइप्स आपको अलग अलग फैमिली में अलग अलग टाइप के फिनोटाइप्स होते हैं। किसी फैमिली में बहुत लंबे इंसान होते हैं, किसी फैमिली में घुंघरालू बालों की परंपरा चलती है, किसी फैमिली में मोटापन का परंपरा चलते है, किसी फैमिली में बहुत गोरा एंड शार्प नोज एंड बड़े बड़े आंखें का। तो ये एक फैमिली ट्री में चलते रहता है, वंश परंपरा चलते है, इसको हम लोग फैमिली ट्री कहते हैं। और ये फिनोटाइप जो फीचर्स डिपेंड करते हैं, उसके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं उसके जीनोटाइप पे, उसका डीएनए पे, उसका डीएनए का पैटर्न पे। वो डीएनए का पैटर्न जैसे होता है उस हिसाब से उसका जीनोटाइप डिटरमाइन होता है। तो फिनोटाइप से जीनोटाइप का जो दौर है, ये दौर हम लोगों को पिछले 100 साल लगे। 1869 में डीएनए का आविष्कार हुआ था एंड उसका स्ट्रक्चर 1953 में बोला गया, देखा गया। और आज हम पिछले 60-70 साल से ये साइंस इतने बड़े हैं कि हम फिनोटाइप से जीनोटाइप में आ गए हैं और डीएनए को हम लोग आज स्टडी कर सकते हैं। सो मैं जो बोल रहा था, इंसान स्पेशल क्यों है? इंसान एक जानवर या पेड़ या पौधों या बैक्टीरिया और वायरस से स्पेशल क्यों है ना? एक बच्चा जन्म होने के बाद वो एक आम एनिमल की तरह ही रहता है, इंस्टिंक्टिव रहता है। उसको भूख लगने से रोएगा, उसको अनकंफर्टेबल लगने से रोएगा, उसको पॉटी लगने से रोएगा। वो रो के कम्युनिकेट करेगा वेदर वो कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है, और उसका कुछ और कम्युनिकेशन मोड नहीं है। वो इंस्टिंक्टिव एक एनिमल है। धीरे धीरे वो जब 7-8-9-10 महीने का होगा और सबसे पहली बार एक आईने में देखेगा अपना चेहरा और उसको पहचानेगा, अरे ये तो मैं हूँ, मैं हाथ मूव कर रहा हूँ तो ये हाथ मूव कर रहा है, मैं अपना सर हिला रहा हूँ तो सर, ओ यही तो मैं हूँ। ये जो मैं हूँ वाला जो कॉन्सेप्ट घुसता है एक चाइल्ड के अंदर, उसे हम लोग ईगो कहते हैं। और वहीं से उसका माइंड न्यूरलर प्रोग्रामिंग चालू हो जाता है, माइंड प्रोग्रामिंग चालू होता है। और ये माइंड प्रोग्रामिंग से डीएनए एक्सप्रेशन भी गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। आप कभी भी आप वाइल्ड जब फॉरेस्ट में जाएंगे, एक फॉरेस्ट में एनिमल्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो उसमें कोई भी एनिमल आपको बीमार नहीं दिखेगा, कोई भी एनिमल मोटा नहीं दिखेगा, कोई भी एनिमल आपको सुस्त नहीं दिखेगा। सब एनिमल अपने अपने इकोसिस्टम में खुश नजर आएगा या अपने अपने इकोसिस्टम में एक दूसरे से कम्युनिकेट करता रहेगा, लेकिन उन लोगों में कोई छटपटाहट या सैडनेस या रिपेंटेंस या डिप्रेशन नहीं है। आप जू में जाएंगे तो उसमें मोटा एनिमल दिखेंगे, डिप्रेस्ड एनिमल दिखेंगे, एनिमल्स नॉट इन देयर गुड बिहेवियर दिखेंगे। तो हमारे इंसान का सोसाइटी में जैसे जैसे मॉडर्निज्म बढ़ते जा रहे हैं, डेवलपमेंट की नाम पे हम लोग अपने आप को बहुत डेवलप सोच रहे हैं, वहां पे एक्चुअली ईगो काम कर रहा है। हमारा ये गाड़ी तो ठीक है, हम होंडा सिटी खरीद लें, मर्सिडीज का खरीदेंगे, मेरा दूसरा फ्लैट कब आएगा, मेरा पोस्टिंग सैन फ्रांसिस्को में कब आएगा, मेरा दोस्त तो चला गया। ये जो टोटल एक दौड़ है, एक रनिंग रैट रेस चल रहा है, इसमें हमारा लाइफस्टाइल पूरा हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा लाइफस्टाइल डीएनए, हम लोग रात को सोएंगे नहीं सोएंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब भी कुछ मिला वो खा लो, सोने का टाइम मिला सो, नहीं सो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारा जो ये डीएनए का प्रोग्रामिंग है, ये 2 साल 5 साल 10 साल 100 साल 500 साल का नहीं है, ये 50 मिलियन ईयर्स में ये बना है ये डीएनए, जो कि मैं 3.4 बिलियन या 340 करोड़ लेटर जो मैं बोल रहा था, वो 50 मिलियन ईयर लगे हैं बनने के लिए। वो एक थॉमस अल्वा एडिशन का लाइट से आप डे और नाइट को चेंज कर देंगे और रात को बोलेंगे हम नहीं सोएंगे, तो हमारा डीएनए का प्रोग्रामिंग चेंज नहीं होगा, डीएनए वैसे ही रहेगा लेकिन उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लाइफ में जैसे मैं बोल रहा था, लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन ऑफ जीन्स एंड माइंड। माइंड कैसे कंट्रोल करता है बॉडी को, उसके ऊपर हमारा टोटल लाइफ आधार है। हम मोटा है तो हम खाने की वजह से है, हम अपना लाइफस्टाइल की वजह से है, हमारा डायबिटीज तो हमारी वजह से है, कैंसर है तो हमारी वजह से। वी हैव क्रिएटेड आवर एंटायर लाइफस्टाइल बबल इन दिस वर्ल्ड टुडे, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने जिम्मेवार है, और हमारे टोटल पीयर ग्रुप इन सोसाइटी जिम्मेवार है। और हम आज खुश नहीं है, हम इतना हमारे पास मेटेरियल कम्फर्ट होते हुए भी खुश नहीं है, और उसका जिम्मेवार भी हम है।
तो यहाँ पे डार्विन जैसे बोलते हैं कि विनर्स एंड लूजर्स जो इस सोसाइटी में एडप्ट नहीं कर पाए वो एक्सटिंक्ट हो गए, और जो एडप्ट करके फ्लेक्सिबल है वो अभी भी है. तो विनर्स एंड लूजर्स आर ऑल डिटरमाइंड बाय हाउ आवर लाइफ इज कॉम्पिटिंग विद दिस एनवायरमेंट एंड जीन्स आर रेस्पॉन्डिंग टू योर मेंटल कॉन्शियसनेस. सो ऐसे सोचना पड़ेगा कि लाइफ हो नहीं रहा है, लाइफ इज नॉट हैपनिंग, लाइफ इज एक्चुअली रेस्पॉन्डिंग. हम जैसे जैसे एनवायरमेंट बनाएंगे उसी तरह रेस्पॉन्ड करेंगे. आज कोविड वायरस ले लीजिए, कोविड वायरस एक ऐसा एक इंसान का खोज का नतीजा है कि इंसान खोज रहे थे कि ये वायरस बैट से ह्यूमन ट्रांसमिशन क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो इसको ह्यूमन ट्रांसमिशन करने के लिए हम लोग को क्या क्या इसमें इंजीनियर करना पड़ेगा, इसका क्या क्या प्रोटीन चेंज करना पड़ेगा, कौन सा डीएनए इसमें इंजीनियर करके लगाने पड़ेंगे, ये सब करके हम करते करते वो वायरस वुहान लैब से कैसे भी तरह ह्यूमन बींग में फैल गया, और जैसे फैला पूरा ह्यूमन रेस को आज इन्फेक्ट करने का एक दौर आ गया है. तो ये चीज ये इंसान का ही काम है. तो इट इज लाइक इट इज हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग टू द एनवायरमेंट. एंड जैसे स्टैन सर बोल रहे थे कि हमारा सिर्फ फिजिकल वेलबींग की तरह वजह से आज हमारे डिजीज नहीं होते हैं, देयर इज अ फिजिकल वेलबींग एट द फिजिकल लेवल जिसमें हमारा फिजिकल हेल्थ है, हमारा जेंडर है, हमारा एज है, हम कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं, हम मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, और उसके बाद हमारा कम्युनिटी है, नेबरहुड है, हमारे सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी, हम किस घर में रहते हैं, कौन सा एनवायरमेंट में रहते हैं, इसके बाद हमारा आ, आ, बाहर का स्फीयर आते हैं कि जॉब एनवायरमेंट क्या है, पब्लिक स्पेस क्या है, हम एक पोल्यूटेड जगह दिल्ली में रहते हैं या हम स्विट्जरलैंड में रहते हैं, हम चाइना के वहां गोंजाओ में रहते हैं या हम सिसिलिस में रहते हैं या मॉरिशस में रहते हैं, हम कौन से खाना खाते हैं, वो कौन सी लीजर्स हमारे लिए पसंद है, हम नाइट एनिमल है, नाइट पार्टीज करते हैं या हम डे लॉन्ग क्रिएटिव चीज में व्यस्त रहते हैं, हमारे एजुकेशन कितना ज्यादा है, हमारा एजुकेशन हमको अपलिफ्ट कर रहा है या रुइन कर रहा है. सो ऑल दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड 1+1 थियरी ऑफ लाइफ, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वे ऑफ हाउ द एंटायर सोसाइटी इज इम्प्रिंटिंग योर और इन्फ्लुएंसिंग हमारे डीएनए को इन्फ्लुएंस कर रहा है. सो लोग कहते हैं जीन को फिट बनाओ, डीएनए को फिट बनाओ, देर आर डिफरेंट कंपनीज जो आजकल आ गए हैं, डीएनए फिट्स, जीन फिट्स. मैं बोला जीन को फिट कोई बना नहीं सकता है, जीन जैसे है वैसे ही इनहेरिट हुआ होगा, हमको जीन में फिट करना है, वी हैव टू फिट आवर सेल्फ इन टू आवर जीन्स. तो उसके लिए हमको पहले जीन को जानना पड़ेगा कि हमारा टेंडेंसी क्या है, हमारा जीनोमिक इम्प्रिंट क्या है, हमारा जीनोम का सिग्नेचर क्या है. वो सिग्नेचर हमने नहीं बनाया, वो कुदरत ने बनाया. वो कितना दिन में बना, 50 मिलियन ईयर्स में बना. उसको हम लोग डीएनए को फिट करने की कोशिश में मार्केटिंग नहीं करेंगे, हम अपने आप को फिट करेंगे जीन का साथ. तो दैट इज कॉल्ड वेलनेस. वेलनेस इज नॉट लाइक ओके यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड डू अ 10 मिनट्स ऑफ प्राणायामा एंड यू आर वेल. नो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर एक्सरसाइज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फूड, यू हैव टू बैलेंस योर लाइफस्टाइल, यू हैव टू टेक केयर ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं मैं बाद में थोड़ी बहुत बताऊंगा आपको. आपके एक्टिविटीज क्या है, आपका डाइट पैटर्न क्या है, आपके शरीर में कुछ टाइप के फूड पचाने की एंजाइम ही नहीं है, वो एंजाइम का डीएनए सट है आपके शरीर में, तो उसके अलग उसके बावजूद भी आप खाए जा रहे 1-2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो इसका इफेक्ट तो आएगा ही. तो इसीलिए आज जो हमारे एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का एक सुनामी आ गया है सारे वर्ल्ड में, सब देख रहे हैं कि हम मोटा होते ही जा रहे हैं, हमारा डायबिटीज, हमारा हाइपरटेंशन, हमारा एसिडिटी, हमारा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हमारा हेडेक, हमारा माइग्रेन, हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये सब बढ़ते जा रहा है. इसका कारण ये है कि हम नेचुरल सिस्टम ऑफ लिविंग से अननेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ लिविंग को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, ये मान के कि कुछ नहीं होगा. ये मान के तो नहीं, हमारा बॉडी अडॉप्ट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. बॉडी तो अडॉप्ट करेगा लेकिन उसका अलग तरीके से अडॉप्ट करेगा. ये सब मानते हुए यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा आज से 12 साल पहले ही मेड अ वेरी गुड बिग प्रोक्लेम दैट द एज ऑफ प्रेसिशन मेडिसिन. प्रेसिशन मेडिसिन मतलब हर आदमी का जो ट्रीटमेंट का तरीका होगा या उसको उसको उसका डायग्नोसिस का तरीका होगा, उसका डिजीज को जानने का तरीका होगा, वो एकदम अलग होगा, वो प्रिसाइज होगा, वो आदमी जैसे यूनिक है. जैसे मैं बताया, यू आर अ यूनिक पर्सन
आपका जीनोम यूनिक है, एक दो आदमी का जीनोम मिलता नहीं है, तो इसी तरह आपका ट्रीटमेंट भी अलग होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल भी अलग होना चाहिए. तो दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द राइट ट्रीटमेंट फॉर द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इज कॉल्ड द न्यू प्रिसिशन मेडिसिन. ये है फ्यूचर, बट फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर. आज मेडिकल साइंस का जो सिंबल है और डीएनए का सिंबल वो एक हो गया है, और आज का दौर में हम क्लिनिकल साइंस को डीएनए के लेवल से जानने लग गए हैं. उसका सबसे बड़ा एग्जांपल होल वर्ल्ड में आज ऑलमोस्ट 2 to 5 million टेस्ट हो चुका है कोविड का, और उसको उसका डीएनए और आरएनए टेस्टिंग किया गया है. तो देर इज अ मर्जर ऑफ मेडिकल साइंस विद द मॉलिकुलर और डीएनए साइंस एंड द न्यू एज मेडिसिन. आज हम कहते हैं कि मॉलिकुलर मेडिसिन. सो इसका कैसे ये पॉसिबल हुआ? इसका पॉसिबिलिटी ऐसे है कि हम आज से 20 साल पहले सिंगल जीन को जान सकते थे, ऐसे हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, और उस तरह से हम धीरे धीरे उसका नेक्स्ट 2-3 साल में बहुत सारे एक साथ में जीन पैनल्स देखने लगे, और फिर वो जीन पैनल्स को उसका फंक्शनैलिटी होल एग्जोम्स देखने लगे. आज के जमाने में हम पूरे जीनोम को सीक्वेंस करके उसका पैटर्न देख सकते हैं, और उसका एनवायरमेंटल इफेक्ट एपिजेनेटिक्स भी देख सकते हैं, उसका क्या क्या वेरिएशन से डिजीज आता है वो देख सकते हैं. तो ये जो टेक्नोलॉजी मार्क लास्ट 20 साल से हुआ, इसके प्रोडक्ट इज व्हाट वी कॉल इट फंक्शनल प्रिसिशन मेडिसिन. सो इसको देखते हुए हम जब इंडिया लौटे, माई फर्स्ट गोल वॉज कि टू सेट अप अ मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म इन इंडिया विच विल बी बेस्ड ऑन डीएनए and that will be serving the 21st century health science. So we created India's first DNA clinic called InDNA Life Sciences in 2013. And hum karte kya, ye press mein cover hua ki we provide the first time DNA based clinic, we provide an integrated DNA based platform for personalized medicine and molecular diagnostics. And it has been covered widely in different press, in different places, in different newspapers when we started the platform. And our main goal is, जैसे मैंने आपको बताया कि सिम्टम बेस्ड और इंट्यूशन बेस्ड मेडिसिन, जो डॉक्टर सोच रहे कि आपका ये हो सकता है, मुझे लग रहा है यही डिजीज है, मुझे सोच रहा है कि ये होगा, उससे हम लोग धीरे धीरे अभी पैटर्न और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में आ गए हैं, जिसमें हमारा एविडेंस बोलेगा कि हमको क्या डिजीज है या क्या प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम आ सकती है. आगे जाके हम इसको एल्गोरिदम बेस्ड प्रेडिक्टिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन, कि पहले हम ये टेंडेंसीज जान सकते हैं क्या, with the help of the pattern, with the help of artificial intelligence, with the help of entire simulations, can we know the entire sequence and how it will change as we go in forward. So this is the future of the entire molecular medicine. So personalized approach to theek hai, ab personalized ek ek aadmi ka unique approach ke sath uska precise, mane usko exactly yahi chahiye ya kuch aur se wo ho sakta hai, ye precision lana padega hamare approach mein. ये एक्चुअली आज से बहुत साल पहले आयुर्वेदा में था कि प्रिसिशन, एक दो लोगों को अलग अलग फीवर हुआ है, सेम फीवर हुआ है लेकिन उनका दवाई, उनका अलग अलग ट्रीटमेंट होता था, क्योंकि वो आदमी का वाता पित्त कफा और त्रिगुणा अलग थे, जैसे हम बता रहे थे वो मैडम यूएस से उस दिन. तो ये एक आपका गुणा, जो आयुर्वेदा में बोलते हैं गुण, वो है हमारा जीन बेस्ड पैटर्न. जैसे आप देखेंगे कि आज के दिन में लोग एजिंग करते हैं अलग अलग तरीके से. कोई आज आप एक कंप्यूटर कंपनी में जाइए, वहां पे 30-35 साल के नौजवान लोगों को देखिएगा, उनका हेयर ग्रे हो गया है, उनका स्किन रिंकल्ड होने लग गया है, लोगों को ऑलरेडी डायबिटीज है, कुछ लोग मोटे हैं, हाइपरटेंसिव है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, दे पॉप अप पिल्स फॉर माइग्रेन, ये होते रहता है. तो आज हम उसको, मैं कहता हूँ एजियोटाइप्स, देर आर डिफरेंट एजिंग प्रिंसिपल. और एजिंग, जैसे मैंने बताया कि जैसे एक आदमी का जन्म होता है उसी टाइम उसका डिटरमाइन होता है कि वो एज कैसे करेगा, और धीरे धीरे उसका एज डिटरमाइन. एक इंसान का ऑलमोस्ट एज है 120 साल बायोलॉजिकली हमारा डीएनए में प्रोग्राम किया है कि इंसान 120 साल जीवित रह सकता है. हाथी 100 साल तक जीवित रह सकता है, कछुआ 800 से 900 साल तक जीवित रह सकता है. कुछ हर 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 एनिमल का, हर स्पीसीज का एक लाइफ टाइम होता है, बायोलॉजिकल लाइफ टाइम. वो बायोलॉजिकल लाइफ है इंसान का 120 साल, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल डाई और हैव डिजीजेस बाय द एज ऑफ 60, 50, 55. आजकल वो और कम गया है, 45, 50. तो ये एजिंग क्यों हो रहा है और एक्सेलरेटेड एजिंग क्यों होता है, उसका कारण बता रहा हूँ. ये आप ये वाला सर्कल देखिए गौर से, ये सबसे मेरा फेवरेट स्लाइड है. ये है कि आज के दौर में
हमारा ऐसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल बन गया है कि हम तो एक्सरसाइज करना भूल गए हैं। हम अपना जो इन किसान हुआ करते थे आज से 200-300 साल पहले, सब लोग किसानी करते थे और खेतों में काम करते थे और 10-15-20-25 किलोमीटर चलते थे तो उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं था चलना। आजकल के युग में सब एयर कंडीशन क्लास हो गए हैं, आप घर में एयर कंडीशन, गाड़ी में एयर कंडीशन, ऑफिस में एयर कंडीशन, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं कंप्यूटर के सामने और घर आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, द इंटायर एक्सरसाइज बिट और मेटाबॉलिज्म बिट इज कम्प्लीटली लॉस्ट, लाइफ हैज बिकम सेडेंटरी। उसके ऊपर हम जंक खाना खाते हैं, हमारा जब मन चाहे पिज्जा खा लिया, कोक पी लिया या कुछ भी स्नैक खा लिए, कोई भी टाइम में, खाने का टाइम का कोई ये नहीं है। इसके ऊपर क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हम खाने के बाद जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होता है हमारे बॉडी में, वो डीएनए को डैमेज करता है। ये हमको पता ही नहीं चलता क्योंकि हमारा डीएनए रिपेयर सिस्टम इतना अच्छा है, इंसान एक ऐसा मिरेकुलस एनिमल है कि डीएनए रिपेयर सिस्टम बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो डीएनए रिपेयर करते रहता है, डैमेज होते रहता है करते रहते हैं, लेकिन वो कितना तक, कब तक, 5 साल 6 साल 10 साल, इसके बाद आपका टेंडेंसी शुरू हो जाएगा ओबेसिटी, ओबेसिटी के होते ही हाइपरटेंशन आ जाएगी, ब्लड प्रेशर आ जाएगी और डायबिटीज शुरू हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगा और फिर कार्डियक इम्पैक्ट आ जाएंगे। तो ऐसे इसके ऊपर स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज तो है ही, तो ये टोटल चीज एक स्ट्रेस साइकिल है। ऐसे कोई इंसान नहीं है जो नहीं बता सकता कि मैं इस साइकिल से कभी ना कभी नहीं गुजरता हूं, या मैक्सिमम आधार पे ये साइकिल सबका होता ही है। जब 50-60 ईयर्स आने लगते हैं तो ये होना है, और दोनों एरो देखिए दोनों पॉइंटेड है। अगर डायबिटीज है तो उसको हाइपरटेंशन जरूर होगा, अगर डायबिटीज हाइपरटेंशन दूर होगा तो उसको कार्डियोवास्कुलर का रिस्क बहुत ज्यादा होगा, अगर ओबेसिटी होगा तो हाइपरटेंशन डेफिनेटली है तो कार्डियोवास्कुलर रिस्क। तो ये सब डबल एज सोर्ड है, डबल एज एरो है, और यही है स्ट्रेस साइकिल, जिस जो आज का पूरा इंसान जितना भी वो पैसे वाला हो या वो बहुत ही वेल टू डू हो, लेकिन उसको ये प्रॉब्लम जकड़ लेगा। तो अभी आते हैं कि हमारे क्रोमोसोम आर्किटेक्चर में क्रोमोसोम के एंड्स को, क्रोमोसोम का एंड जो है, जैसे हमारे पास 23 पेयर है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इज व्हाट आई हैव, दिस क्रोमोसोम कैरियोटाइप इज ऑफ अ मेल, जिसमें आप एक्स एंड वाई द लास्ट पेयर, जो 23rd पेयर इज एक्स एंड वाई, 22 पेयर इज कॉल्ड ऑटोसोम्स। ये ऐसे ही दिखता है सबका क्रोमोसोम, अगर हर इंसान का हम क्रोमोसोम्स देखेंगे तो लगभग ऐसे ही दिखेगा फोटोग्राफ में या माइक्रोस्कोप में, लेकिन इसके अंदर जो जीन्स है, जो डीएनए है, उसका सीक्वेंस अलग अलग होंगे। लोग बोलते हैं कि अगर हम 99% जेनेटिकली सिमिलर है तो 1% का डिफरेंस में ऐसे 700 करोड़ लोग हैं जो सब कोई अलग है, कैसे हो सकता है? तो मैं उसका जवाब में यह बताऊंगा कि आपको जैसे मैंने बताया 3.4 बिलियन या 340 करोड़ लेटर है, तो 340 करोड़ लेटर का अगर 1% लिया जाए तो वो हो गया आपका 3.4 करोड़। तो 3.4 करोड़ का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे कि कितना चेंज हो सकता है, तो वो माने वो नंबर अनगिनत रह जाएगा, उतना शायद यूनिवर्स में स्टार भी नहीं है, तो इतना कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो 700 करोड़ तो कुछ नहीं है हमारे जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। तो अभी इसका जो एंड्स है, एंड्स आर कॉल्ड टेलोमेयर्स और टेल्स ऑफ क्रोमोसोम। देखिए कुदरत का क्या है कि ये टेल्स जैसे जैसे सेल डिवाइड करता है और वो टेल्स ये छोटा होता रहता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, और ये छोटा होने से ही जीनोम थोड़ा अनस्टेबल होता है और एजिंग होता है। तो एज लोगों को बीमारी जल्दी होती है, एज लोगों को हर तरह का बीमारी होने का संभावना भी ज्यादा होता है। आज ये भी कहा जा रहा है वर्ल्ड में जो एज लोगों को कोविड का इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है, उनका डेथ रेट ज्यादा हो सकता है, क्यों? क्योंकि उनका टेलोमेयर्स अनस्टेबल है, टेलोमेयर शॉर्टन। और हर एक क्रोमोसोम के साथ देयर आर मेनी डिजीजेस एसोसिएटेड, उसका जेनेटिक चेंजेस, चाहे वो एजोस्पर्मिया हो वाई क्रोमोसोम के साथ, या वो सिकल सेल एनीमिया हो, या अल्जाइमर्स डिजीज हो, या सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑल दिस 23 क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम आर एसोसिएटेड विद डिजीजेस। मैं इसको डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, ये अलग एक क्लास हो जाएगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, अप्रिशिएट कराना चाहता हूँ कि हर एक क्रोमोसोम्स में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस, थोड़ा सा भी चेंजेस होता है तो वो डिजीज में कन्वर्ट होता है। तो टेलोमेयर्स के बारे में बोल रहा था, टेलोमेयर्स दे कैप द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के एंड को कैप करते हैं टेलोमेयर्स और प्रोटेक्ट करते हैं, और ये टेलोमेयर जितना हेल्दी होता है आदमी का जीनोम उतना हेल्दी होता है। और ये टेलोमेयर्स हर सेल डिवीजन में, जैसे बच्चा पैदा होता है उससे उसका जो ग्रोथ होता है शुरू होता है, उसका उसका
जर्नी टुवर्ड्स डेथ शुरू होता है, उसका टिलोमियर लूजिंग कैपेसिटी चालू हो जाता है और धीरे धीरे वो डेथ की ओर बढ़ता है। तो हर डिवीजन में जैसे सेल डिवाइड करता है एक से दो, दो से चार, वो क्रोमोसोम्स भी डिवाइड करते हैं, क्रोमोसोम्स भी दो सेल में जाते हैं और उसका टिलोमियर्स एक्चुअली छोटा होते रहता है। तो ये हमारे रिसर्च के कुछ पब्लिकेशंस आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि हमारा टिलोमियर्स, अगर सपोज मान लीजिए टिलोमियर्स छोटा हो ही नहीं, टिलोमियर्स कभी छोटा होगा ही नहीं तो इंसान मरेगा ही नहीं। तो जब टिलोमियर्स का डिस्कवरी हुआ, टिलोमेरेज एंजाइम का, तो एक नेचर जो सबसे एक बहुत मशहूर जर्नल है यूके का, नेचर, नेचर मैगजीन का कवर पेज में हमारे हिंदू गॉड शिवा का एक पिक्चर छपा था पेंटिंग के तौर पे, और उसको पेंट किया था जूली न्यूडॉल कैलिफोर्निया का एक आर्टिस्ट, सी इज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट बट वो एक आर्टिस्ट, साइंस आर्टिस्ट है, तो वो पेंट किए थे ऐसे शिवा को। तो ये एक्चुअली 2001-02 की घटना है और ये घटना से ही मैं टिलोमियर और जीनोम स्पेशलिस्ट बना, क्योंकि ये मैं हमारे NCBS नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस के लाइब्रेरी में मैं ये पहली बार बुक देखा था और ये मुझे अट्रैक्ट किया और मैं देखा कि शिव का फोटो नेचर न्यूज, नेचर रिव्यूज में क्यों है। तो मैं देखा कि ये टिलोमेरेज एंजाइम जो है ये गॉड ऑफ, ये इमोर्टलिटी एंजाइम कहा जाता है, कि अगर ये एंजाइम एक्टिव हो जाए और हमारे टिलोमियर छोटा हो लेकिन उसको फिर से एलोंगेट करे तो कोई मरेगा ही नहीं, सेल विल बी इमोर्टल। जैसे शिव जी है सत्यम शिवम सुंदरम, ये अमर है, ये अक्षय है, ये इनका कुछ क्षय होता ही नहीं है। तो ऐसे हो सकता है सेल, दैट वॉज अ इमेजिनेशन ऑफ एन आर्टिस्ट। So the people were telling the God gene is discovered और ये genes and जन्मा पे हमने article भी लिखा था, तो ये कुछ उसका झलकियाँ हैं। तो ये जो lady है Carol actually studied this enzyme and she was responsible for discovering this enzyme from yeast, जो कि हमारे जो पाव होते हैं, ब्रेड होते हैं, ब्रेड को ferment करने के लिए जो bacteria use होते हैं yeast, उसको उसमें ये एंजाइम्स उन्होंने पहली बार निकाल के आइडेंटिफाई किया कि इनके टिलोमियर्स इलोंगेट कर सकते हैं। तो ऐसे ह्यूमन बीइंग भी होता है। तो वो डिस्कवरी में सबसे फास्टेस्ट नोबेल प्राइज उनको दिया गया, क्योंकि ये एक वंडरफुल डिस्कवरी है, क्योंकि हर कैंसर सेल में ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है किसी भी कारण से और वो कैंसर सेल मरता ही नहीं और वो सेल इमोर्टल होता है, ट्यूमर बनता है, हजारों सैकड़ों सेल बन जाते हैं 2-3 महीने में और वो ट्यूमर सारे शरीर में फैल सकते। तो इसमें अलग अलग मैंने रिसर्च किए हैं और ये टिलोमियर मीडिएटेड डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स, जितना भी डैमेजेस होते हैं डीएनए को, वो एक्चुअली पहले टिलोमियर डिटेक्ट करता है, टिलोमियर का जो सेंसरी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है वो डिटेक्ट करता है। और P38 बोल के एक स्ट्रेस मॉलिक्यूल है, आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस बट लिटिल बिट ऑफ साइंस, तो ये P38 मॉलिक्यूल, स्ट्रेस मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको, मैप काइनेज, ये टिलोमियर के साथ बात करके और ये डीएनए डैमेज को संभालता है। This was one of our discovery. So, ये टिलोमियर हमारे टोटल डीएनए जीनोम का जो स्टेबिलिटी है, जीनोम का जो आर्किटेक्चर है, इसको संभाल के रखता है। तो जैसे जैसे आदमी बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है और एज होता है, उसका टिलोमियर छोटा होता है, तो उसका जीनोम फंक्शन भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है, डिसफंक्शनल होता है। जैसे जैसे एज होता है उसका इम्यूनिटी कम जाते हैं, उसका कैंसर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, उनके डिजेनरेशन बढ़ जाते हैं। तो देर आर वेज ऑल्सो टू एक्चुअली डिले और प्रिवेंट द टिलोमियर लॉस, वो मैं थोड़ा टच करूंगा। सो अब देखिए, एजिंग प्रोसेस इज द बिगेस्ट कार्सिनोजन, मैंने एजिंग होते ही कैंसर होने का संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे मैं बताया, और टिलोमियर के कारण होता है। तो अब करें तो क्या करें, अगर आप एंटी कैंसर करोगे तो आप इधर प्रो एजिंग भी हो रहा है और एंटी कैंसर कॉन्सेप्ट भी कर रहे हो, कि तो एंटी कैंसर करने के लिए तो एजिंग को कमाना पड़ेगा या एजिंग को टेक केयर करना पड़ेगा या हेल्दी एजिंग करना पड़ेगा, तब जाके आप एंटी कैंसर भी काम कर सकते हो। तो दिस इज लाइक अ डबल एज सोर्ड। सो बट अनफॉर्चुनेटली एजिंग इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, कोई भी इंसान क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं जिंदा ही रहूंगा और मैं मरूंगा ही नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता है। जैसे आदमी का जन्म होता है या कंसीव होता है, उसी वक्त उसका डेथ जैसे मैंने बताया चालू हो जाता है। लेकिन इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल से रहेंगे, डिटेक्ट करके उसको स्टेबल रखेंगे, वो सबसे बड़ी चैलेंज है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा। सो देर इज ऑलवेज, एजिंग इज अ ह्यूज इंडस्ट्री, ये एक $1 billion इंडस्ट्री है। कुछ भी एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं तो लोग उसको लेने के लिए बेताव हो जाते हैं, क्योंकि ये मेरा एजिंग कम करेगा।
खास करके फीमेल्स लोग जो है उनको अपना स्किन, अपना अपना बॉडी, अपना टोटल इमेज को बरकरार रखना है, इसलिए देयर इज दैट देयर हैज टू बी अ फाउंटेन ऑफ यूथ समवेयर डिस्कवर्ड वेयर आई कैन नॉट एज और परपेचुअली रिमेन द सेम. सो अब देखिए महेंद्र सिंह धोनी, ही इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड बायोलॉजिकल एजिंग. उन्होंने 24 साल की उम्र में इंडिया टीम ज्वाइन किया 2006 में, और 35 साल जब 2017 में उनका ये है हालत, 11 साल में ऐसे उनका हालत हो गया, बिकॉज ही हैज ओवरयूज्ड हिमसेल्फ, ही हैज एक्सेलरेटेड हिज एंटायर मैकेनिज्म टुवर्ड्स बायोलॉजिकल एजिंग. ऊपर से ये देखिए डॉक्टर देवी शेट्टी, हु इज अ वेरी फेमस कार्डियक सर्जन फ्रॉम बैंगलोर, ही इज वन ऑफ द ग्रेट मेडिकल डॉक्टर्स. उनका मैंने उनसे मिला 2001 में जब मैं बैंगलोर में था, फिर 2017 में. ही लुक्स ऑलमोस्ट द सेम, लेट मी टेल यू, आई हैव सीन हिम फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स. हिज एनर्जी लेवल, वो कभी भी लिफ्ट नहीं लेते हैं, वो स्टेयर केस में दौड़ के चढ़ेंगे, आप उनका एनर्जी लेवल मैच ही नहीं कर सकते. वो इतना हैप्पी रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, इतना ज्यादा काम करते हैं, और उसके एजिंग बहुत ही स्लो एंड बहुत ही बैलेंस्ड होता है. तो देयर इज मॉडल्स आई एम शोइंग कि दीज आर ऑल सटल मॉडल्स. आपको सोचना पड़ेगा कि एजिंग को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, एजिंग को कैसे बैलेंस कर सकते हैं. हमारे इस धरती में ही मुनि ऋषियों ने बहुत सारे ढेर सारे साल जिए हैं विद कंट्रोल एजिंग. सो देयर आर डिफरेंट रूट्स व्हिच कैन मेक अस स्ट्रेस्ड. देयर इज अ डायरेक्ट रूट. डायरेक्ट रूट मतलब आप कहीं पे खड़े हैं, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप नेचुरली बहुत परेशान हो जाओगे, टेंस हो गया, स्ट्रेस्ड हो जाओगे, या आपको बहुत ठंड लग रही है, स्ट्रेस हो जाओगे. There is a साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी. किसी ने आपको बहुत डांट दिया, या किसी ने आपको प्रेशर क्रिएट किया, डेडलाइन क्रिएट किया, हमको इसी दो दिन में के अंदर ये फाइल चाहिए ही चाहिए, तो दैट विल बी अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. और किसी से झगड़ा हुआ, और किसी से ब्रेकअप हो गया, या किसी ने थ्रेट किया और किसी ने जान लेने की कोशिश की, दिस विल क्रिएट लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रेस इन योर बॉडी, एंड दिस मेक यू प्रीडिस्पोज्ड टू लॉट ऑफ कोपिंग रूट, एंड योर डीएनए, योर एंटायर जीनोम इंटेग्रिटी इज अनबैलेंस्ड. सो बेसिकली स्ट्रेस कैन बी अ माइल्ड माइग्रेन स्ट्रेस, कैन बी डेडलाइन प्रेशर स्ट्रेस, एंड कैन बी ऑल्सो इंसेन स्ट्रेस. यू कैन बिकम मैड, यू कैन बिकम कंप्लीटली इंसेन. So stress is basically, there are a lot of inputs. अभी ये lockdown के दौरान बहुत लोगों ने realize किया कि मैं ऐसे रह सकता हूँ, ऐसे किसी ने सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसे stress free रह सकता हूँ, काम नहीं है, ठीक time में खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, 8 घंटा की नींद पूरी हो रही है. That life people may not have seen for long, long years. क्योंकि प्लस टू खत्म, या फिर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कैंपसिंग, कैंपसिंग के बाद जॉब, इंटर्नशिप, फिर ये पोस्टिंग, दैट पोस्टिंग, फिर लग गए रैट रेस में. तो ऐसे किसी ने, किसी को ऐसे ठहराव होकर सोचा ही नहीं था कि हम स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं. बट स्ट्रेस एक्चुअली इफेक्ट्स डायरेक्टली, जैसे मैंने बताया, आपका इम्यून सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये टोटल सिस्टम को ये बिगाड़ सकता है, और इसके बिगाड़ने के बाद ही आपका डिजीज का जड़ चालू हो जाता है. सो एक्चुअली नेचुरल एबिलिटी, जिससे हम लोग ने जन्म लिया, जिसने हम कुदरत ने बनाया, वो नेचुरल एबिलिटी को स्ट्रेस बिगाड़ देगा. अलग अलग स्ट्रेस मैंने जैसे बताया, और तो दे डिक्रीज द नेचुरल फाइटिंग कैपेसिटी. सो इफ अ पर्सन इज हाइपरटेंसिव, आज के जमाने में देख लीजिए, जितने भी कोविड डेथ हुए हैं, उसका 70-80% डेथ्स आर पीपल विद डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन. सो अभी हाइपरटेंशन और डायबिटीज हमारा नेचुरल टेंडेंसी नहीं है, हम डायबिटिक होकर पैदा नहीं हुए थे, हम हाइपरटेंशन होकर पैदा, हम बहुत खुश पैदा हुए थे, लेकिन दुनिया ने हमको नाखुश करके उसको डायबिटीज में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रेस से कन्वर्ट कर दिया. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सो देर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स विच मेक्स अस स्ट्रेस. इट मे बी एक्सटर्नल फैक्टर्स, मे बी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कॉन्टेक्ट एक्सपोजर, डायट. It can be intrinsic factors, like you have a metabolic problem, you have a genetic problem, you have some immune disorders, you have a psychogenetic problem. There are external factors, like temperature, humidity, pressure. There can be infections like virus, pathogenic bacteria, fungi. So all kinds of stress can be there. So they all actually damage your genome, and they create damages in your entire fundamental DNA. And that is where the whole problem starts. So in the whole lifespan, if your genome health is monitored well at the microscopic level, at the molecular level, सोचिए आप अपने 37,000 करोड़ सेल का आपने टेक केयर किया,
तो आपका लाइफ तो एकदम अच्छा बनना ही है, कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया में कोई ऐसे पावर नहीं है जो आपका लाइफ को अच्छा बनने के लिए रोक सकता है। सो हेल्थ स्पैन इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द जीनोम एट द मॉलिक्यूलर लेवल। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हाउ लॉन्ग आप बेड में बेड रिडन होकर 90 साल जिए या आप दौड़ते हुए 85 साल जिए, ये डिपेंड करता है हाउ वेल यू आर मैनेजिंग। सो आई ऑलवेज प्रोक्लेम दैट एक्टिव एजिंग इज इम्पॉर्टेंट than actually sedentary aging. So health span should be more of active rather than passive. So we have to make rapid lifestyle changes to actually make our blueprint of life, that is DNA, stable. So DNA damages actually causes diseases, and to decrease the DNA damage, we have to take care of the stress, and stress at the molecular level has to be managed. So otherwise, this stress will make our system unstable, and if your system is unstable, you may have diseases like cancer, which may take maybe 5 to 20 years slowly inside your body, or dheere dheere aapke cells mein wo changes aane lagenge, wo imbalances aane lagenge, accumulate hone lagenge, aur ek din aapke sharir se itna bada tumor nikala jayega. To aise bhi cases hote hain. So this entire episode of this disease is what we have seen in the world is created by us, by our insan ne create kiya. So jaise Angelina Jolie ko jaise pata chala ki unke breast cancer gene mein kuch defect hai, unko breast cancer ho sakti hai, unhone dono breast ka surgery kara liya, which is again a radical step, I'll tell you. But agar BRCA test females ne bahut pehle se kiya jaye तो उसको मैनेज करके उसको अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, और डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करके नॉट ओनली ब्रेस्ट बट ओवेरियन कैंसर, यूटेराइन कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर सबको वो ब्रैका फैमिली कंट्रोल करता है। तो ये है जीन का इफेक्ट ऑन योर बॉडी। तो अभी आते हैं कि जीनोम हेल्थ असेसमेंट से हम क्या बोलना चाहते हैं, कि जैसे स्टैन बताया कि वी कैनॉट take a single gene or a group of genes, we have to take the holistic approach of the whole genome and then integrate in our lifestyle and talk about the genome health functional network. Hamara agar obesity hai to uska cardiovascular mein bhi effect hoga, uska kidney mein bhi effect hoga, uska nervous psychological mein bhi effect hoga, uska brain mein bhi effect hoga. So ye total functional network ko humko janna hai, aur jise main stressome kehta hu. So genome health assessment at the level of stressome is important. These are all our proprietary discovered technologies, jisme humne dekha hai ki there are crosstalks between different networks hamare sharir ke andar jo ki ek dusre ko affect karta hai. To humko genome health assessment karna hai, jisko lifestyle ke sath associate karna hai, sleep ke sath associate karna hai, stress hormone ke sath associate karna hai, biological aging ke sath associate karna hai, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कार्डियोवास्कुलर ओबेसिटी के साथ एसोसिएट करना है, अलग अलग डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएट करना है और उसको मैपिंग करना है, जैसे कि विटामिन एंड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी उसको चेक करना है, डायबिटीज एंड थायराइड रिलेटेड चीज को करना है, कि डायबिटीज एक जीन से नहीं होता या दो जीन से नहीं होता, देयर आर मल्टीपल जीन्स व्हिच कैन बी एसोसिएटेड विद डायबिटीज इन डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट फॉर्म्स। तो वो भी वही नेटवर्क का मैं बार बार आपको स्ट्रेस डाल रहा हूँ। फिर रिस्क फॉर लिवर डिजीज, इट कैन नॉट बी ओनली फॉर फैटी अल्कोहलिक लिवर, बट इट कैन बी फॉर डिफरेंट अदर सिंड्रोम्स। फूड इंटॉलरेंस, फूड इंटॉलरेंस कैन बी ओनली ग्लूटेन, इट कैन बी डिफरेंट एनी अदर फूड्स व्हिच मे बी एलर्जिक टू योर बॉडी एंड इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर एंड मे बी इट कैन लीड टू हार्ट अटैक्स और सॉल्ट सेंसिटिविटी। सो देर आर डिफरेंट एरियाज ऑफ योर बॉडी व्हिच कैन बी लुक्ड एट द जेनेटिक लेवल, maybe cardiac health, maybe diabetic health, maybe gastrointestinal health, maybe immune health. Aajkal immune health is bahut zyada charcha mein aaya hai because of the covid ka jo asymptomatic people hai, jisme infection hai lekin symptom nahi hai, wo kaise risk ko mitigate karte hain, aadmi kaise respond karta hai virus ko alag alag tarike se, wo uska genome level determine karega. To jaise aapko maine dikhaya ki there are different parameters, more than hundreds of parameters, जिसको हम लोग एट द जीन लेवल आज की टेक्नोलॉजी से देख सकते हैं, और ये जैसे जैसे दिन बढ़ेगा इसका हमारा और प्रिपेयर्डनेस और डेटा आएगा, तो इसका हम लोग और आगे डीपर लेवल पे नेटवर्किंग कर सकते हैं, और दिस इज कॉल्ड जीनोम फिंगरप्रिंटिंग ऑफ योर डिजीज। सो जीनोम हेल्थ इंडेक्स बना सकते हैं, जिसका एज, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल को एक ऑल इंटीग्रेट करके एक प्लेटफॉर्म से और उसको आप दिखा सकते हैं। सो
जैसे मैंने आप बताया जीन्स बिहेवियर एंड लाइफ इज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी एट द डीएनए लेवल एंड एट दिस मॉलिक्यूलर लेवल हम हर चीज को एक डीएनए की लेंस से देख सकते हैं, फंक्शनलिटी के तौर पर देख सकते हैं कि किसी का टेस्टोस्टेरोन क्यों कम है, किसी का एडिक्शन लेवल क्यों ज्यादा है, कोई नींद क्यों नहीं आ रही है, किसी को बहुत सारा इंपल्सिव बिहेवियर क्यों है, क्रिमिनल टेंडेंसीज क्यों है, किसी को खाते रहते हैं लेकिन उसका वेट गेन कभी होता ही नहीं है, मेटाबॉलिज्म वेरी हाई मेटाबॉलिक है, ए टाइप पर्सनालिटी, ऑल दीज थिंग्स कैन बी नाउ बिहेवियरल चेंजेस कैन बी लुक्ड एट द जीनोम लेवल एंड देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म्स. मैं डिटेल्स में नहीं बताना चाहता हूँ आज, लेकिन हाँ एक मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक ट्री क्रिएट किया है हमने अपने लैब में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग चीज देखने के लिए. सो जो मेन थीम है कि होलिस्टिक अप्रोच टू जीनोम स्क्रीनिंग, integrating all these knowledge is important. We can't make the gene fit, but we have to fit yourself into the gene. Gene is natural. Our lifestyle can be manipulated as per the genomic print. So knowing the print at different level and then getting an entire knowledge network integrated with artificial intelligence and your algorithm, and then we can make a smart health management for personalized preventive therapeutics. Smart because it is specific, it is measurable, it is attainable, it is realistic, and it is timely. That is what is smart all about. So it is again bata do, specific, measurable, attainable, realistic, and timely. So this is where the smart health revolution is what is going to come, and it will be unique for every human being, and it will be smart because it will be given to you in digital format, in monitoring format, maybe wearable format, and this is going to be your part. Jaise aaj सेलफोन एक आदमी का अंग बन गया है, एक लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया है, बिना सेलफोन का आदमी 10 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता है. उसी तरह हम लोग अपने जीनोम को अगर मॉनिटर करेंगे अलग अलग टेक्नोलॉजी टूल से, तो हम हेल्दी रहने का कोशिश करेंगे और उसका आगे लाभ पाएंगे. सो बेसिकली इफ वी सी, अगर 700 करोड़ ह्यूमन बींग को एक आइसबर्ग की तरह हम देखें, तो उसमें डिजीजेज आर छुपे हुए हैं, हम सिर्फ उसका टिप देखते हैं, उसका अंदर से सब क्लिनिकल अंदर जो उसका चेंजेस आ रहे हैं वो देखते ही नहीं है. नॉर्मल तो बहुत नीचे है, हम लोग सब नॉर्मल से ऊपर आ चुके हैं. नॉर्मल जीनोम जो नेचुरल जीनोम है, जो नेचुरल हमारे टेंडेंसी है, उसको कब का हम भुला के बहुत आगे बढ़ गए हैं, और उसको हम लोग मॉनिटर अगर एट दिस लेवल नहीं करेंगे तो फिर आगे जाके बहुत सारे डिजीजेस का सामना तो करना ही पड़ेगा. ये एक बहुत बड़ा नेचुरल ट्रूथ है, बिटर ट्रूथ है. तो डिजीज को आने से पहले हम लोग उसको अगर स्क्रीन करें, उसको देखें और कुछ तैयारी के साथ चेंज करें, मैनिपुलेट करें, तो हम उसको फिर से लोअर नॉर्मल लेवल पे लाने का कोशिश करते हैं. तो मैं ये सब टेक्नोलॉजीज, आई एम बीइंग वेरी लकी टू मीट मोर देन अ डोजन नोबेल लॉरेट्स इन माय शॉर्ट लाइफ टाइम. आई हैव मेट मोर देन 13 नोबेल लॉरेट्स, एंड उनसे सीखने का मुझे चांस मिला, उनको 7-8 दिन उनके साथ रहने का चांस मिला. फ्रॉम ऑलिवर स्मिथीज टू फरीद मुराद टू जॉन वॉकर, ऑल दिस ग्रेट नोबेल लॉरेट्स के साथ मिल के मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला इस छोटी सी उम्र में, एंड उनको इम्प्लीमेंट करने का भी कोशिश करता हूँ, लैब के तौर पे ट्रांसलेट करना चाहता हूँ सोसाइटी में, और धीरे धीरे उसको अगर हमारा मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस में लेके आऊँ, वही हमारा मकसद है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. एंड वट आई वॉन्ट टू कंक्लूड बाई टेलिंग दैट आवर कॉन्शियसनेस, जो कि हमारे मन का पावर है, मेंटल स्ट्रेंथ है, the consciousness is a very natural instinct in us, and human beings are the most conscious evolved species. Ek kutta agar chocolate khayega to uska jo metabolic pathway hai, a human being ka metabolic pathway lagbhag same hai, gene expression bhi same hai, but consciousness in ek aadmi ka bahut zyada hota hai, to wo consciousness ko hum log ko control karke dna ko program karna padega. I want to leave you with one of my interesting work which I did, and I want to stress upon that. हमने एक बैंगलोर में 2006-2005 में एक रिसर्च किया था, जिसमें योगा को देखा था, हाउ योगा इज मॉड्यूलेटिंग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इन कैंसर पेशेंट्स. उनको रेडिएशन दिया जा रहा था और रेडिएशन का जो स्ट्रेस था वो ब्रेस्ट कैंसर लोग कैसे कर रहे थे, योगा ग्रुप कैसे मिटिगेट कर रहे थे, नॉन योगा ग्रुप उसका जीन में कुछ चेंज आ रहे थे कि नहीं. ये रिसर्च हमारा वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट इन द वर्ल्ड टू लिंक genomics at the yoga level, and it was actually led by Professor Nagendra
H.N. Nagendra is my yoga guruji and he is also the yoga guru of our Prime Minister Dr. Narendra Modi ji. And our International Yoga Day program, which is India has done in the whole world, उनका मेन कीर्ति नागेंद्र जी को जाते हैं. तो ये हमारे योगा गुरु, इनके साथ हमने कोलैबोरेट करके आई डू लॉट ऑफ योगा रिसर्च एज वेल वेयर आई कैन लुक इनटू द योगा इंटरवेंशन इन जीनोटॉक्सिस स्ट्रेस. सो साइंस इज अबाउट एवरीथिंग. साइंस इज नॉट ओनली जेनेटिक्स बट इट इज ऑल्सो आयुर्वेदा, इट इज ऑल्सो नेचुरोपैथी, इट इज ऑल्सो होम्योपैथी, इट इज ऑल्सो योगा. सो इट्स एन होलिस्टिक इंटीग्रेटेड अप्रोच बट जीनोमिक्स इज द फंडामेंटल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ. सो दिस इज हाउ आई वॉन्ट टू end my talk, thanking my international group of advisors from different countries, and this is my team and I work with them. I find new stories in the DNA every day in my lab and I get fascinated knowing DNA at this level. Thank you so much for your kind attention.